हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका बिजली सब कुछ चैनल में। मेरा नाम है बशीर अहमद खान। जैसे कि दोस्तों आप लोग देख रहे हो, किचन में बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है। देख लीजिए, पहले थोड़ा सा आ रहा है, फिर बिल्कुल बूंद बूंद, जैसे कि कुछ सिस्टम ही नहीं है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, बाथरूम में भी नहीं आ रहा है। ये जो है खारा पानी है, इसमें बिल्कुल सही है। आप इसमें देख लीजिए, मीठा पानी थोड़ा सा आ रहा है, फिर चले जा रहा है। ठीक है, आप लोगों को अब नया टेक्निक बताने वाला हूँ, जो वीडियो में बने रहिएगा, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। ओके, तो चलिए भाई साहब को दिखा दीजिए, कितना दिन से पानी नहीं आ रहा है। आप लोग कितना दिन था? 5-6 दिन। 5-6 दिन से पानी नहीं आ रहा है। उसके बाद आप लोगों को प्रोसेसिंग क्या है देख लीजिए। वहाँ पर पानी नहीं आ रहा है, वहाँ पर दो सिस्टम था, एक खारा पानी एक मीठा पानी। जैसे कि यहाँ दो पॉइंट आप देख रहे हो, यहाँ क्या करना है, जिसमें मेरा मीठा पानी का लाइन है, ओके, मीठा पानी का वाल बंद करना है, मतलब बॉल वाल्व जिसे बोलते हैं वो बंद करना है, खारा पानी का चालू रखना है। ओके, बंद कर दो आजाद भाई। उसके बाद देख लीजिए आपको क्या करना है, आपका ये जो लाइन देख रहे हो आप आउटसाइड में, उसमें जैसे कि यहाँ एंड कैप मारा हुआ है, अगर एंड कैप मारा हुआ है तो आपको एंड कैप कटिंग करना पड़ेगा, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर बल्ब बल्ब लगा है, जैसे यहाँ की देख लीजिए, ये मीठा पानी का लाइन है, तो यहाँ मेरा बल्ब बल्ब लगा है, तो इसे मैं क्या करूँगा, खोलूँगा और पानी पाइप का खाली करूँगा। जैसे कि अभी देख लीजिए, वीडियो में पूरा बने रहिएगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बाकी है। अब देख लीजिए, यहाँ पर जो है मीठा पानी का लाइन पूरा बंद कर चुका हूँ। आप क्या करना पड़ेगा, अंदर जाके जो काम है बताऊंगा, फिर उसके बाद बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है जो बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए अंदर दिखाते हैं। यहाँ पर अभी मैं पानी बंद कर दिया, खारा पानी सॉरी मीठा पानी जो है मैं बंद कर दिया, बिल्कुल भी जो बूंद बूंद आ रहा था वो भी नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, ये दोनों नल को खोलने वाला हूँ। खारा पानी आएगा, इसका नल चालू रहेगा, अगर आप चाहते हो तो इसका भी बंद कर दीजिए, बंद करके फिर चालू करना पड़ेगा, तो टाइम ज्यादा जाएगा, इसकी वजह से बोल रहा हूँ। तो ये दोनों को आपको खोलना है, दोनों नल। उसके बाद यहाँ क्या करना है आपको दिखाता हूँ। ये जो देख रहे हो आप, एक कनेक्शन पाइप लेना है, कनेक्शन पाइप लेके इधर एक हैच निपल लगाना है और एक इधर हैच निपल लगाना है, ये जो है हैच निपल, ये लगाना है। ये कैसे लगाना है, पहले ब्रास सेल्वो में दोनों में चढ़ा देना है, उसके बाद पानी प्रेशर क्रिएट होगा और आप लोगों को दिखाऊंगा। पूरा बाथरूम में देख लीजिए, इसका प्रेशर आप देख लीजिए, काफी ज्यादा प्रेशर है। ओके, तो चलिए नल खोलते हैं सबसे पहले। और एक ऐसे ही आजाद भाई का चैनल में एक वीडियो है, बिल्कुल अलग है, यूनिक है, जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब यहाँ पे क्या करना है देख लीजिए, ओवर वॉइस में बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे आपको एक साइड पूरा रेडी कर लेना है पहले, ओके, ताकि पानी चालू है इसके वजह से। तो रेडी करने के बाद आपको फिर दूसरा नल खोलना है, चलिए दिखाते हैं। ये हो गया रेडी, ये आगे आपको रेडी करके रख लेना है। उसके बाद क्या करना है, हो सके तो इसमें भी आप टेफ्लॉन टेप देकर रेडी रखिए, क्योंकि पानी चालू रहेगा, ओके। उसके बाद जो दूसरा हैक्स निपल है वो भी आप रेडी कर कर रख लीजिए, क्योंकि पानी चालू रहेगा, बाद में आप इस सब मत करिए, ओके। उसके बाद नल खोलना है आपको। अब क्या करना है, यहाँ बंद कर, देख लीजिए यहाँ पर जो है ये काम है कंप्लीट हो चुका है, मतलब इसे आप 5 मिनट ऐसा रहने दीजिए, और नीचे जो वाल लगाया हूँ वहां जाकर देखना है आपका वाल से पानी निकल रहा है कि नहीं, निकल जाएगा तब छोड़ दीजिएगा, आपका लाइन क्लीन हो चुका है। तो चलिए बने रहिए, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा वेट करिए, अभी मैजिक देखिएगा कैसे पानी निकल रहा है, वो जरूर देखिएगा, फिर आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ आप लोग देखिएगा स्लो मोशन में कैसे कचड़ा जा रहा है, फोटो भी दिखाऊंगा आप लोगों को, ये देख लीजिए, देख लीजिए दो फोटो दे रहा हूँ आप लोगों को, मार्किंग करके देखिए कैसे रोका कचड़ा निकला है। आप लोगों को आगे भी कचड़ा दिखाऊंगा, पहले पानी निकलने दीजिए। तो जैसे कि यहाँ देख रहे हो आप, ये प्लास्टिक पड़ा हुआ है, दो प्लास्टिक निकला है, ओके, जब कैमरे से निकला था तो मुझे कैमरे में तो उतना समझ में नहीं आता है, लेकिन नज़र में आया था जब गिरा है, तो ये दो प्लास्टिक जमा हुआ था जो आधा इंची पाइप में जा नहीं पा रहा था,
तो इसकी वजह से वापस प्रेशर देना पड़ा था। तो चलिए आगे बताते हैं। ऐसे जो पानी है कम से कम आप 5 मिनट चालू रख दीजिएगा, ताकि मतलब टाइम तो हो गया मैं बंद कर दूँगा, 5 मिनट चालू रख दीजिएगा, ताकि आपको जो भी कचरा है अगर थोड़ा बहुत रहता है तो उल्टा प्रेशर में आपको पूरा निकाल देगा। और एक चीज़ इधर आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे कि देख लीजिए एक चीज़ आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है, जैसे कि आप सेकेंड फ्लोर में आपका जाम हुआ है या थर्ड फ्लोर में जाम हुआ है, हमेशा बाहर का पाइप का जो है पानी खाली करना है। उसका नीचे जैसे कि ये ग्राउंड फ्लोर है, इसका बाथरूम का अंदर का जो है नल बिल्कुल भी खोलना नहीं है, फर्स्ट फ्लोर का भी जो खोलना ही नहीं है, जो पाइप में पानी भरा है वो पाइप में पानी वैसे ही भरा रहना चाहिए। आपको खाली बाहर खोलना है, उन लोगों को बता देना है, ताकि उसमें अगर आप खोल देंगे नहीं तो फिर वहाँ पर भी कचरा जा सकता है, उसमें पाइप में पानी भरा हुआ रहेगा, बाकी आपका नीचे कटा हुआ रहेगा तो खाली रहेगा, उल्टा प्रेशर से डायरेक्टली नीचे आएगा, आपका नीचे वाला बाथरूम कहीं पर भी कचरा नहीं जाएगा। देख लीजिए दोस्तों, उसके बाद आपको क्या करना है, खारा पानी मीठा पानी सबका अगर वाल बंद करना चाहते हो तो कर दीजिए। मैं फिलहाल बंद नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली लगा दूंगा, लेकिन आप करना चाहते हो तो पूरा करके जैसा नल लगा था नल लगा दीजिए। उसके बाद चलिए आप लोगों को मीठा पानी कैसा हिसाब से आ रहा है दिखाता हूँ। ओके, अब जाइए पाइप में जो थोड़ा बहुत पानी है जो उल्टा प्रेशर मारा था उसका पानी थोड़ा बहुत आ रहा है, अभी बंद हो जाएगा, फिर मीठा पानी चालू करते हैं हम जाकर, और कैमरा मैन इधर दिखाएंगे कैसे हिसाब से पानी आ रहा है। ओके, अब किचन में भी पानी आ चुका है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा ट्रिक पता चला है कैसे पानी सफाई करने का, शॉर्ट से शॉर्ट सिंपल तरीका। और बस वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और जरूर एक लाइक करिए। थक गया बड़ा।